नमस्कार दोस्तों, कैसी हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है हिम्मत। कमरे के अंदर बैठी रिधिमा को आज उसकी सास गीता जी आस पड़ोस की महिलाओं के सामने जी भर के बंदुआएं दे रही थी। अंदर बैठी रुवांशु रिधिमा सभी बातें सुन रही थी, लेकिन उसको इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई रिधिमा ने देखा तो उसकी जेठानी एकता खड़ी दिखी। भाभी आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ, क्यों अंदर नहीं आ सकती? कमरे में आते हुए एकता ने कहा, चलो नहा धोकर नाश्ता करके तैयार हो जा, वकील साहब भी आते होंगे, कहकर एकता वहाँ से जाने लगी। तभी रिधिमा ने पीछे से एकता का हाथ पकड़ लिया और कहा, भाभी आप मुझसे नाराज नहीं हो? आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं? मैंने जेठ जी को जेल भेज दिया। मुस्कुराते हुए एकता ने रिधिमा के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, नहीं रिधिमा बिल्कुल भी नहीं, तुमने जो किया उसके लिए बहुत साहस चाहिए। हर औरत इतना साहस नहीं जुटा पाती। जो तुमने किया कम से कम वो मेरे बस की बात नहीं थी, वरना 10 सालों से मैं इन लोगों की गालियां और मार नहीं खाती। शादी के समय मेरे मायके में सब मेरी खुशकिस्मती पर खुश हो रहे थे कि इतने रईस खानदान में शादी हो रही है, लेकिन शादी के एक सप्ताह बाद ही अमर ने मुझे पहला थप्पड़ मारा और मैं चुप हो गई और असलियत भी समझ गई। उसके बाद से तो ये सिलसिला बढ़ता ही गया, कभी पति कभी देवर जी तो कभी माजी, सभी मुझे मारते। एक बार हिम्मत करके मायके में बताया तो सबने कहा, बेटा अब तेरी किस्मत में यही लिखा था, तो हम क्या कर सकते हैं, तेरा भाग्य ही खराब है। और ये बात मैंने भी मान ली और खुद को भी मना लिया, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि ना ही डरूंगी और ना ही अपनी बेटी को डरपोक बनाऊंगी। चलो उठो। दरअसल रिधिमा की शादी अमन से हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। शादी के समय बताया गया कि लड़का कोई नशा या बुरी आदत का शिकार नहीं। अमन बात भी बहुत अच्छे से करता था, तो देखकर किसी को ये नहीं लगता था कि अमन ऐसा होगा, अमन में कोई कमी होगी। अमन ने रिधिमा के सबके सामने कहा, रिधिमा आज तुम नॉनवेज बनाओगी। ससुराल भी खानदानी रईस था। रिधिमा बोली, लेकिन अमन मुझे नॉनवेज नहीं आता बनाने, मैंने नॉनवेज ना कभी खाया ना कभी बनाया, ये तो तुम भी जानते हो। अमन बोला, क्या जो तुम पहले किया करती थी शादी के बाद कर रही हो? नहीं ना, तो जाकर चुपचाप नॉनवेज बनाओ, और अगर नहीं बनाना तो अपने बाप के घर वापस चली जाओ। रिधिमा बोली, अमन तमीज से बात करो, खबरदार मेरे मायके के लिए कुछ भी कहा तो। अमन तो क्या, कहते हुए अमर रिधिमा के गाली देने लगा और एक थप्पड़ रिधिमा के गाल पर मारा। पलटकर रिधिमा ने भी 2 थप्पड़ मारते हुए कहा, गाली देना और मारना मुझे भी आता है। ये देखकर गीता जी का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। उन्होंने कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटों को मारे, रुक। फिर सभी मिलकर रिधिमा को मारने लगे। किसी तरीके से खुद को बचाकर रिधिमा अपने कमरे में भागी और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अंदर उसने तुरंत पुलिस को फोन करके सारी जानकारी दी। पुलिस आई तो उसने दरवाजा खोला और सारी बातें बताई। अमर और अमन को पुलिस साथ लेकर गई, लेकिन गीता जी की उम्र को देखकर औरत होने के नाते उनको सिर्फ चेतावनी देकर घर पर ही छोड़ दिया, अपने साथ नहीं ले गई। तैयार होकर रिधिमा नाश्ता करने आई तो गीता जी की नजर रिधिमा पर गई और वो शुरू हो गई, कैसी नालायक बहू मेरे घर आ गई है, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। जिसको जरा भी शर्म नहीं, अपने पति और जेठ को थाने भेजकर खुद खाना खा रही है, ना जाने कैसी परवरिश की है इसकी माँ ने इसकी, जो थोड़ा भी लिहाज न रहा समाज का। मैंने भी मार खाया है, गाली खाई है अपने पति से, एकता भी मार खाती थी, मैं तो नहीं गई पुलिस स्टेशन, जा निकल अभी मेरे घर से। और ये सिंघार किसके लिए, जब पति ही नहीं घर में देखने के लिए, नालायक कही की रिधिमा मोली, हो गया आपका कि और बाकी है? नहीं तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये घर सिर्फ आपका ही नहीं मेरा भी है, इस पर जितना आपका अधिकार है उतना ही मेरा भी है, कानूनी और सामाजिक दोनों तरीके से, क्योंकि मैं इस घर की बहू और आपके बेटे की पत्नी हूँ। अभी मेरा तलाक नहीं हुआ, लेकिन अगर हुआ भी तो भी इसमें से मेरा अधिहिस्सा होगा, जरूरी नहीं कि जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो। दूसरी बात, मेरी माँ ने मेरी परवरिश बहुत अच्छे से की है, उन्होंने मुझे दूसरों को मान सम्मान देना और खुद का सम्मान बचाना दोनों सिखाया है।
अब बात मेरे सिंघार की है तो एक औरत सिंघार सिर्फ अपने पति को या किसी पुरुष को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए भी करती है। अब आप बताइए कि कैसी परवरिश आपने अपने बेटे के की है, जो औरत को सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु और अपने पैरों की जूती समझते हैं। आपने झूठ बोलकर अपने लायक शराबी बेटे की शादी करके बहू को ही नालायक साबित करने लगी। आपके बेटे का चित्र और चरित्र दोनों से खराब है, लेकिन आपके लिए वो लायक वह क्या पसंद है। आपकी एक चीज आपको बता दूं, मैं दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, नियम का पालन करती हूँ। अच्छा भाभी चलती हूँ कहकर रिधिमा पुलिस स्टेशन पहुँची तो वहाँ अमर और अमन के सुर बदले हुए थे। उन्होंने रिधिमा को देखते उसके आगे हाथ जोड़कर गिर गिराने लगे कि हमें माफ कर दो, एक आखिरी मौका। बस सबके समझाने पर रिधिमा भी माफ किया और उनके साथ वापस घर आ गई। घर आकर देखा तो उसके पापा आए हुए थे। रिधिमा के पापा उसको देखते तुरंत उठकर आए और पूछा, क्या हुआ बेटा। रिधिमा से कुछ बोलने से पहले ही अमर और अमन एक साथ बोल पड़े, कुछ तो नहीं बाबूजी, आप कब आए यहाँ, आइए बैठिए। समधन जी आप तो कह रही थी कि तभी अमर और अमन ने घुरती निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखा तो वो समझ गई कि कोई बात है, तो बूच में बोल पड़ी, अरे मैंने तो मजाक किया था समधी जी, ताकि आपको घर बुला सकूं। रिधिमा के पापा माजरा समझ चुके थे लेकिन वो अनजान बने रहे और रिधिमा से कहा, बेटा शाबाश, मुझे तुझ पर गर्व है, लेकिन एक बात और बेटा, जब भी तुझे मेरी जरूरत हो तब तू मुझे एक बार फोन कर देना, मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगा। तुझे विदा करके मैंने सामाजिक रीत निभाई है, तुझे बेचा या दान नहीं किया है। और गीता जी से कहा, चलता हूँ समधन जी, उम्मीद करता हूँ ऐसे मजाक की आपको दोबारा आवश्यकता ना पड़े, कहकर वो चले गए। इधर गीता जी ने उनके जाते ही गुस्से में गरजती आवाज में अपने बेटे से कहा, क्या तुम लोग भिंगी बिली बने हुए हो, झूठ बोला क्यों, रिधिमा के पापा से बता देते इस नालायक की सच्चाई। तब अमर अपनी माँ का हाथ पकड़कर कमरे में ले गया और कहा, तो क्या करे, जेल में पड़े रहे हम और हमारे साथ आप भी, वैसे भी पूरी रात थाने में बिताकर दिमाग खराब है। हमने जब पुलिस और वकील से बात की तो सबने यही कहा कि रिधिमा ने केस किया तो उसके जितने के चांसेस ज्यादा है, फिर वो आराम से इस घर में रहेगी और हम तीनों जेल में हर्जाना और हिस्सा दोनों देना पड़ेगा, समझ आया। कमरे के बाहर से एकता और रिधिमा ने सब कुछ सुना और एक साथ मुस्कुरा पड़े। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो। धन्यवाद।